के सम्मुख नहीं है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि कौन कहता है कि युवा धर्म के सम्मुख नहीं है? युवा में ऊर्जा का अक्षय कोष है, बुद्धि है, श्रम है, शक्ति है, ऊर्जा है, विवेक है, ज्ञान है, और इसी कारण वो नए नए प्रयोग करता है और नित नए हम आविष्कार भी सुनते हैं कि ये आविष्कार हुआ, ये आविष्कार हुआ। बंधुओं, युवा में बहुत ऊर्जा है और युवा ही एक स्वस्थ समाज और व्यक्तित्व निर्माण का रचनात्मक प्रयोग कर सकता है। आज का विषय क्या रखा है? यूथ लीडरशिप। यहाँ इतनी पब्लिक बैठी है, मैं इसे पूछना चाहूंगी, कौन लीडर नहीं बनना चाहता? कौन नहीं चाहता है कि मेरा हुकूमत चले, मैं जैसा कहूं वैसा हो? लेकिन क्या चाहने मात्र से हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा और सच्चा लीडर बनने के लिए उनमें कुछ क्वालिटी चाहिए, और जिनमें क्वालिटी होती है, बंधुओं ये तय है कि हम किसी को अपना नेतृत्व सौंपते हैं तो उसमें बल देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, उनके गुणों का आंका जाता है। जो परिपक्व होता है उन्हीं को बागडोर सौंपी जाती है, क्योंकि वो इंस्पायर कर सकते हैं। तो एक सफल अच्छा लीडर बनने के लिए उसकी अहम शर्त है कि उसे विजनरी होना चाहिए। अगर उनके सामने विजन है, गोल है, तो वो अचीव करने के लिए पूरा प्रयास करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म, यानी आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर अपने नेता में आत्मविश्वास है तो अपनी टीम के अंदर जो भी वर्क कर रहे हैं उनमें वो आत्मविश्वास भर सकते हैं, और जहां आत्मविश्वास की कमी होती है वहां पर समय समय पर उनको चैलेंज फेस करना होता है। तो यह एक नेतृत्व करने वाले में, एक लीडर के अंदर ये विशेष रूप से गुण होना चाहिए। और बंधुओं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जीवन के अंदर सिर्फ व्यवहार क्षेत्र में नहीं, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर इस गुण की बहुत बहुत क्या होती है, आवश्यकता होती है। और साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, इसका भी होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। बंधुओं, रामायण का वो प्रसंग जिस समय सीता का अपहरण हुआ था और मालूम हुआ कि सीता लंका में है, और राम के खेमे से लंका की ओर एक दूत बना करके भेजने का कार्य अंगद को सौंपा गया था। अंगद बलवान भी था और गुणवान भी था। लंका में प्रवेश पाना और वहां टिकने रहने के लिए बल की आवश्यकता होती है, और हालांकि अंगद एक दूत बनकर जा रहा है तो दूत को अपनी बात वहां कहनी है, प्रस्तुत करनी है। अंगद को रावण के सामने अपनी बात कहनी है तो इसमें बुद्धिमत्ता का भी आवश्यक है, बुद्धिमत्ता भी आवश्यक है। और लंका विलासिता की नगरी, उस विलासिता की नगरी में टिकने के लिए अगर व्यक्ति गुणवान होगा तो सही है, नहीं तो उसका पतन निश्चित। अंगद जिस समय वहां से प्रस्थान करता है तो राम का आभार मानता है, अपने वरिष्ठ लोगों के प्रति विनम्रता व्यक्त करता है। ये एक सामाजिक जागरूकता है, अपने से बड़ों के प्रति विनम्र स्वभाव। आज हम देखते हैं माता पिता, गुरुजन, अध्यापक जन
उनके प्रति कैसा व्यवहार हो रहा है। जो भी युवा बैठे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, हम्बल होना चाहिए। अगर विनम्रता है तो बड़ों के आशीर्वाद, बड़ों की कृपा पात्र बन सकते हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे अध्यापक हो। बंधुओं, अंगद सभा में पहुंचता है रावण के सामने और रावण उनका क्या करता है। रावण के सामने पहुंचा, रावण ने उसे देख करके कहा, अंगद बाली मेरा मित्र है, वो अभी कहां है, उसी उसकी कुशलता बताओ। बंधुओं, अंगद का जो वार्तालाप हुआ वो भी युवाओं को सीखने योग्य है। अंगद ने कहा था रावण से कि कुछ दिन पश्चात आप भी अपने मित्र के पास पहुंच करके उसे गले लगा करके उसकी कुशल क्षेम पूछ लेना। यानी इन डायरेक्ट रूप में अंगद रावण को यह बताना चाह रहा था कि आप जो अन्याय अनीति पर चल रहे हैं, आपने जो अनीतिपूर्ण कार्य किया है उसका हमेशा पतन होता है और सभा के अंदर अंगद ने सशर्त अपना पैर रखा कि इस पैर को कोई भी हिला दे। लेकिन आपको शायद सब यहां बैठने वालों ने रामायण देखी है और सभी जानते हैं कि उस सभा के अंदर इतने बलशाली थे लेकिन किसी ने भी उस अंगद का पैर हिला नहीं सके। और शर्त क्या थी कि अगर कोई पैर हिला दे तो हम सीता को हार जाएंगे और रामचंद्र जी सीता को बिना लिए ही यहां से क्या कर देंगे, प्रस्थान कर देंगे। बंधुओं, ये कितना व्यक्तिगत निर्णय था, टीम का निर्णय नहीं था, राम की ओर से कोई निर्णय नहीं था, ये व्यक्तिगत निर्णय था। और लेकिन व्यक्तिगत निर्णय भी कितना रिस्क भरा था और ऐसा निर्णय एक सक्षम लीडर ही ले सकता है। ले सकता है, नहीं ले सकता, आप लोगों को बोले ऐसा कुछ कर सकते हैं। जिनके अंदर करेज होता है, साहस होता है, वही ऐसे नियम को क्या कर सकता है, ले सकता है। तो बंधुओं, अंगद का जो गुणवान था, बलशाली था, बुद्धिमान था और मैं तो ये कहूंगी ये एक सफल लीडर भी था। और लीडर का उत्साही होना, परिश्रमी होना भी बहुत जरूरी है। अगर लीडर के अंदर निराशा, हताशा, कुंठाग्रस्त और अनुत्साही हो जाते हैं तो उसकी टीम तो पहले ही क्या हो जाती है, चित्त हो जाती है। तो उनको भी क्या होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, विनम्र और शालीन व्यवहार होना चाहिए, अपने साथियों के प्रति भी उनको क्या करना चाहिए, सबके साथ में वो शालीन व्यवहार रखे और साथ में धैर्य और सहनशीलता भी होनी चाहिए, हर कार्य के लिए पेशेंस होना चाहिए। एक हमारे कवि ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा रित आए फल हो। आज बीज होया आज ही फल नहीं लगने वाला है। किसी भी कार्य को हम करते हैं, कार्य करने के बाद में हमें कुछ धैर्यता होनी चाहिए, हम धैर्य रखें और धैर्य में रख करके ही हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त सकते हैं। उसमें अगर उतावलापन रखें तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। कोई भी श्रेष्ठ कार्य होता है वो समय लेता है, इसलिए हमें हर कार्य में कभी भी अनुत्साही नहीं होना चाहिए, अपना धैर्य अपना पेशेंस हमें रखना चाहिए। और बंधुओं, साथ में हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात है जो हमारे आइडल्स है, जो हमारे प्रिंसिपल्स है, उसके प्रति हमें पूर्ण रूप से बिलीव होना चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में निष्ठा होनी चाहिए। आज वर्तमान का युग है, भौतिकता की चकाचौंध है और पाश्चात्य संस्कृति का में हमारे युवा वर्ग का रुझान दिन दिन बढ़ता जा रहा है।
बंधुओं, जिस समाज के अंदर पानी भी छान कर पिया जाता है, वहां पर हम शराब की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। और मुझे कल ही मालूम पड़ा, एक सावक जी आए, बोले महाराज साहब, हमने कर्नाटक के अंदर बच्चों को स्कूल के अंदर एक्स जो सप्लाई होता था भोजन के अंदर, उसको हमने रोक लगाई है, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि कल ही एक दो दिन के अंदर उसकी क्या हो रही है, वापस उन्हें सप्लाई किया जाएगा। बंधुओं, कहाँ हमारा जैनिज्म, कहाँ हमारे सिद्धांत। हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वहाँ का कल्चर कैसा है। हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो संस्कार है, उन संस्कारों के प्रति अगर हमें पूर्ण निष्ठा है, तो हम अपने बच्चों को भी एक सही मार्गदर्शन देंगे और उनका पतन होते हुए क्या करेंगे, बचाएंगे। तो बंधुओं, आज युवा पीढ़ी से मेरा विशेष रूप से कहना है कि जो यहाँ पर उपस्थित है, वो एक संकल्प ले कि हमारे जीवन के अंदर ये जितनी कुरीतियाँ हैं, जितने व्यसन हैं, उनको हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे जो सिद्धांत हैं, क्योंकि धर्म और समाज ये अलग अलग तत्व नहीं है, समाज है वही धर्म है, धर्म है वही समाज है। हमारे युवा कहते हैं कि धर्म धर्म स्थानक में है, हमारे धर्म गुरुओं ने धर्म बताया है, लेकिन समाज के अंदर कोई धर्म नहीं है। लेकिन ये बता दूं, जो समाज धर्म की परंपराओं के अनुसार चलता है, उसका कभी भी पतन नहीं होता है। और समाज के अंदर विकृतियां आती है, इसका मतलब आप अपने प्रिंसिपल से हट रहे हैं, आप अपने सिद्धांतों से आगे हट रहे हैं, तो आपका पतन क्या है, निश्चित है। धर्म कोई ऐसा नहीं कि ये धर्म मनुष्य का है, ये जाति का है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म एक फिलोसफी है, धर्म एक सिद्धांत है, धर्म एक नीति नियम है, धर्म एक रीति रिवाज है, और उन्हीं रीति रिवाजों से हमारा ये समाज चलता है। तो समाज में जो भी कुरीतियां आ रही है, कृपया करके उसके बारे में विचार कीजिए, उसका अंदाज लगाइए कि उसका भविष्य में अंजाम क्या होना है। आज हमारा समाज काफी विकसित हुआ है, पैसे यानी खूब प्रोग्रेस की है पैसे के अंदर, लेकिन बढ़ चढ़ करके पैसों का क्या कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं। लेकिन पैसा खर्च कीजिए, लेकिन ऐसे स्थानों पर खर्च कीजिए जहां हमारे धर्म की बढ़ोतरी हो, हमारे जिन शासन की प्रवाह ना हो। लेकिन हमेशा ऐसे कुव्यसनों के अंदर अपने आप को क्या कीजिए, पैसे खर्च करने में बचाइए, और हमेशा उसका अंजाम क्या होगा, इस और दृष्टि रखिए। बंधुओं, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा, प्री वेडिंग सूट, इसके बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है। जो शादी, यहाँ तक मुझे ज़्यादातर लड़के से शादीशुदा दिख रहे हैं, लेकिन इसमें हो सकता है 25% युवा जो अनमैरिड है, वो एक संकल्प लें कि हमें अपने जीवन के अंदर ऐसे कार्य नहीं करना है जिसके कारण हमारे सिद्धांत, हमारे प्रिंसिपल, हमारा धर्म दांव पर लग जाए। बंधुओं, साथ में आप 5-स्टार, 7-स्टार, 9-स्टार के अंदर कार्यक्रम रखते हैं, वहाँ क्या स्थिति है, वेज और नॉन वेज दोनों का प्रयोग होता है। आप ये कहेंगे कि हम तो वहाँ जाकर के भी वेज लेते हैं, लेकिन ये आप जान रहे हैं, जो पब्लिक अन्य है वो नहीं जानती कि आप वेज ले रहे हैं या नॉन वेज ले रहे हैं। तो मैं अपने युवाओं से ये आह्वान करूँगी कि वो कम से कम सामाजिक रिलेशन निभाना है, जाए जरूर, लेकिन वहाँ पर पानी भी न पिए, क्या न करे, न वहाँ पर भोजन करे, न पानी पिए, ऐसा संकल्प हमारे ये युवा लोग लेंगे। और विशेष करके मैं राहुल जी से ये कहना चाहूँगी, आप जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको जगह जगह आप स्पीक देते हैं, आपको पता है कहाँ कहाँ हमारी कुरीतियाँ आई हुई है समाज के अंदर, उन समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, उन्हें आप मिटाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो बंधुओं, जीवन के अंदर उदारवादी होना चाहिए, क्योंकि हमारे युवा इतने सक्षम हैं कि उनके सामने वैन एंड वाई क्लियर हो जाता है, तो हाउ इज ईजी हो जाता है, वैन एंड वाई क्लियर हो जाता है, तो हाउ इज ईजी हो जाता है। तो हमारे युवाओं से ही मुझे बार बार यही कहना है कि हम जिस स्थान पर हैं,
जिस संगठन में हैं, जिस धर्म को हम निर्वाह कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति हम पूर्ण डेडिकेशन यानी पूर्ण रूप से हम समर्पित हुए और समर्पित रह करके उन प्रिंसिपलों का हम निष्ठा के साथ में पालन करें। बंधुओं, दूसरी बात और है, आप प्रतिदिन प्रवचन में सुनते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ, सुनते हैं, लेकिन जिन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि वाकई में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो कभी भी कुवेशनों की ओर गति नहीं करेगा। कुवेशन की ओर गति नहीं करेगा, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने एक चिंतन किया, विचार किया कि मुझे एक मानव का निर्माण करना है, और मानव के निर्माण कोई कर सका? आज दिन तक कितने ही विद्वान आ गए, कितने वैज्ञानिक आ गए, लेकिन मानव का निर्माण नहीं कर पाया, लेकिन मृत मानव का निर्माण अवश्य कर पाया। तो उन वैज्ञानिकों की टीम ने मृत मानव का निर्माण किया, और उस मृत मानव के निर्माण की कीमत कास्ट क्या है बताऊं मैं आपको? 8.6 ट्रिलियन, यानी 10 लाख को 10 लाख से गुना करो, 8.6 ट्रिलियन साइज। और आयु हम मनुष्य की औसतन आयु ले तो 100 वर्ष, एक साल के दिन उसको आप 24 घंटे से गुना करो और 100 से गुना करो, यानी एक घंटे की कास्ट आई $10 लाख या 1 मिलियन। कितना दुर्लभ समय, सोच सकते हैं आप, विचार कर सकते हैं कि मनुष्य जन्म से मृत मानव की कास्ट 1 मिलियन प्रति घंटा आई है। तो आप सोचो कि आपका ये जन्म, ये मनुष्य जन्म, इतना समय आपको मिला है, ये कितना दुर्लभ समय है। बंधुओं, आप कोई भी बाजार में वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे और एलडी हो, कुछ भी हो, तो उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलती है हाउ टू यूज, इस मशीन को हमें कैसे यूज करना चाहिए, इसके लिए बुकलेट मिलती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप इस धरती पर आए हैं, आप कोई बुकलेट लेके आए या नहीं आए? क्या बुकलेट लेके आए? नहीं लेके आए, लेकिन मैं कहती हूँ लेकर के आए। यहाँ पर बैठने वालों का सबका जन्म किस कुल में हुआ है? जैन कुल में, सभी जैन हैं, और इस जैन कुल में जन्म लेने के साथ में आप परमात्मा की वाणी जो हमारे गंधर्वों ने घोषित की है, हमारे संतों ने विवेचित की है, वो बुकलेट लेकर के आए हैं। इस मनुष्य जन्म को आपको कैसे जीना है, इस मनुष्य जन्म जो मिला उसको कैसे यूज करना है, ये सब कुछ आपको वहां पर क्या किया गया है बताया गया है। लेकिन हमारे युवा, हमें यही सुनने को मिलता है कि हमें समय नहीं है। उनसे पूछो, बंधुओं, सचिन तेंदुलकर जिनके क्रिकेट के 20 साल पूर्ण हुए और कुछ पत्रकार उनके इंटरव्यू के लिए पहुंचे, और उस समय सचिन तेंदुलकर ने बताया, सर से सुबह 6 बजे विदाउट फेल मैं कहां पहुंचता हूं, मैच और मतलब मॉर्निंग के प्रैक्टिस के लिए जाता हूं, और अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस सेशन जब पूर्ण हो जाता है, उसके बाद में मेरे लिए जो खबरें छपी हुई है मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया में, उसके बाद मैं उसको क्या करता हूँ, देखता हूँ। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोगों को भी, पहले एक जमाना था जल्दी सोते थे जल्दी उठते थे, और आज जमाना है लेट से सोते और लेट उठते हैं, लेकिन इस बीच में भी, उठने के बाद भी जो समय हमारे परमात्मा का भजन करने का है, प्रभु भक्ति का है, अपने आप को ऊर्जावान बनाने का है, वो समय आप किसमें व्यतीत करते हैं? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, हाँ जो भी है, मुझे नाम भी नहीं मालूम है, इसको स्कॉलिंग करने के अंदर ही पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं। और जहां तक मैं समझती हूँ, उसमें 90% ऐसे मैसेज होते हैं जो आपके कोई काम के नहीं होते हैं, लेकिन उसमें आपका 48 मिनट का समय क्या हो जाता है, होता है। तो आप सोचिए,
जो समय आपको मिला उस समय को आप किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, बचपन नादान है, बुढ़ापा लाचार है, और जवानी में अगर कुछ नहीं किया तो जिंदगी, आप सोच लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अपना जो ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, ये जवानी मिली है, इस जवानी का हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पानी युवा में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि युवा लोग क्या जो चाहे वो कर सकते हैं। पत्थर पर भी फूल उगा सकते हैं, पानी में भी आग लगा सकते हैं। भला ऐसा कौन सा कार्य संभव है जिसे हमारे युवा नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो अपने युवाओं के प्रति एक यही सद्भावना व्यक्त करती हूँ कि वह अपने जीवन के अंदर बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए, अपनी जो ये ऊर्जा मिली है हमें, शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिला है, और जैन कुल मिला है, इन जिनवाणी श्रवण करने को मिली है, उनका हम अधिक से अधिक क्या करें, उपयोग करें। और आज दूसरी बात है, हमारे जो विहार में हमें जो सेवा देते हैं उन लोगों का क्या किया गया था, अभिनंदन किया गया था। बंधुओं, विहार सेवा अगर शोक के लिए की जाती है तो एक दिन दो दिन कर सकते हैं, चार दिन कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर 8 महीना प्रतिदिन सुबह उठना और हमारे चरित्र आत्माओं के साथ में पैदल पैदल कोई 10 किलोमीटर चलता है, कोई 15 किलोमीटर चलता है, और रेगुलर उनके साथ में जाना, ये कम बात नहीं है। तो ये जो युवा जो विहार सेवा दे रहे हैं, ये ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, भीड़ को नियंत्रित करता है, ये भी भीड़ को नियंत्रित करके हमारे श्रमणों को निर्भय बनाते हैं। और स्मार्ट सोल्जर जैसे युद्ध भूमि में युद्ध